बीजेपी एनडीपीपी के हर उम्मीदवार को आप भारी मतों से जिताएं और मुझे भी नागालैंड की सेवा करने की अधिक ताकत दें। नमस्कार। आपने खान किनिका से दिमापुर में दूर सुदूर से पहुंचे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं। आपका ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बीजेपी एनडीपीपी के पक्ष में बहुत बड़ा जन समर्थन देख रहा हूं। नागालैंड में विकास और विश्वास की लहर चल रही है। भाइयों और बहनों, नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी सरकार के लिए इतना समर्थन आज इसलिए है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के तेज विकास का संकल्प लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नागालैंड के लिए कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है, वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है। कांग्रेस और इसके सहयोगियों की सरकारों ने अपनी पॉलिटिक्स में नागालैंड की स्टेबिलिटी और नागालैंड की प्रॉस्पेरिटी को कभी भी महत्व नहीं दिया। तभी कांग्रेस के शासनकाल में नागालैंड में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। कांग्रेस के लोगों ने नागालैंड की सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया। इसका कारण यह है कि दिल्ली में पहले फैमिली फर्स्ट वाली सोच थी। दिल्ली से लेकर दिमापुर तक इन लोगों ने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी थी। इसलिए नागालैंड सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट आज कांग्रेस को उसके किए कामों को पापों की सजा दे रहा है। साथियों, बीजेपी एनडीए हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है। कांग्रेस के समय में नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए
हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। आप जानते हैं जब पैसों की जरूरत है लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे। सरकार का पैसा यहां जनता के पास नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। साथियों आपको याद होगा कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि वो दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं और जनता तक 15 पैसा ही पहुंचता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक तो पहले ये 15 पैसा भी नहीं पहुंचता था। 10 साल पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि नॉर्थ ईस्ट में कभी हालात भी बदल सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने टेक्नोलॉजी की ताकत से करप्शन पर बड़ा प्रहार किया है। आज दिल्ली से भेजा पूरा रुपया आपके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लगभग 400 करोड़ रुपया नागालैंड के हजारों किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा आया है। बीच में कोई कट नहीं, कमीशन नहीं, बीच में कोई एटीएम नहीं। कोरोना काल में यहां की हजारों बहनों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए सीधे दिल्ली से यहां आपके खाते में जमा हुए। एक पैसा भी कहीं लीक नहीं हुआ। साथियों आपको याद होगा राशन को लेकर पहले कितनी परेशानी होती थी। जिसके पास राशन कार्ड था उसे पैसा देकर भी पूरा राशन नहीं मिल पाता था। आज केंद्र सरकार नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, पूरा राशन दे रही है। भाइयों और बहनों ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है। बीते 9 वर्षों में दर्जनों बार मैं खुद आपके बीच आया हूं। केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आते हैं। यहां के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल की रौनक मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि दिलों की दूरियां मिटाने में नागालैंड बीजेपी की टीम भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यहां के हमारे बीजेपी प्रेसिडेंट तिमजन इमना की बातें आज पूरा देश सुनता है, मजा लेता है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिश करता हूं। आजाद भारत के इतिहास में नागालैंड को पहली राज्यसभा एमपी देने का अवसर भी एनडीए को ही मिला है। फांगनोन कोयंग जी आज देश की संसद में नागालैंड की बहनों बेटियों के टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा ये महिलाओं को सम्मान देने वाले नागा कल्चर का भी सम्मान है। ये रानी गाइडिनल्यू के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में रानी गाइडिनल्यू जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला था। जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था, मैं सामाजिक जीवन में काम करता था। साथियों, आप सभी ने मेरा मन की बात कार्यक्रम जरूर सुना होगा। मैं मन की बात में भी नागालैंड की अक्सर चर्चा करता रहता हूं। नागा कल्चर, क्राफ्ट, नागा लाइफस्टाइल और यहां का म्यूजिक को प्रमोट करने वाली लीडी क्रोयू संस्था के बारे में मैंने मन की बात में भी विस्तार से बात की थी। नागालैंड की किंग, हमारी चिली, किंग चिली आज देश विदेश में धूम मचा रही है। नागालैंड के किसानों के सामर्थ्य को भी मैंने देश के साथ शेयर किया है। नागालैंड में आज जो भी अच्छा काम हो रहा है वो देश तक पहुंच रहा है और उस पर पूरा देश गर्व करता है। साथियों, अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता। देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। भाइयों और बहनों, नागालैंड के लिए हमारा मंत्र रहा है पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसलिए नागालैंड का भरोसा बीजेपी पर, एनडीए पर लगातार बढ़ रहा है। बीते वर्षों में अनेक युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और मुझे खुशी है, जैसे मैं नागालैंड आता हूं वैसे मैं एक बार सभी हमारे गांव बूढ़े जो नेता है उन सबको मेरे घर दिल्ली बुलाया था, उनका स्वागत सम्मान किया था और उन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद दिए थे। आज भी गांव बूढ़े हर कोई मुझे उतना ही आशीर्वाद देता रहता है। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग 75% कमी आई है, 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आसपा को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में आसपा की जरूरत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। इससे भी इस पूरे क्षेत्र में
प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए नए अवसर बन रहे हैं। 2 मार्च को फिर सरकार बनने के बाद यहां एक्सटॉर्शन करने वालों पर भी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाइयों और बहनों, बीजेपी और एनडीए सरकार नागालैंड के नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटेड है। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोड हो, रेल हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस सरकार के दौरान फाइनेंस कमीशन के तहत नागालैंड के लिए ग्रांट 2000 करोड़ के आसपास थी, जबकि हमारी सरकार ने इसे 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। अब ये बजट 5000 करोड़ रुपए के करीब है। साल 2014 की तुलना में नागालैंड में नेशनल हाईवे नेटवर्क लगभग 2 गुना हो चुका है। नागालैंड अब म्यांमार से भी कनेक्ट हो रहा है। नागालैंड में दीमापुर एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के 8 रूट्स पर उड़ान योजना के तहत फ्लाइट शुरू की गई है। 100 साल बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। राजधानी कोहिमा को रेलवे से जोड़ने के लिए भी तेज गति से काम चल रहा है। जब कोहिमा तक ट्रेन पहुंच जाएगी तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होगा। साथियों, भाजपा सरकार नागालैंड के युवाओं को टूरिज्म से टेक्नोलॉजी तक और स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक कदम कदम पर साथ दे रही है। कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें हमारे नागालैंड के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हम भारत की ओलंपिक फुटबॉल टीम के पहले कैप्टन ताली मेरन आओ को बहुत गर्व के साथ याद करते हैं। स्पोर्ट्स की इतनी रिच लिगेसी नागालैंड के पास है। नागालैंड का ये स्पोर्ट्स पोटेंशियल देश के काम आए, इसके लिए एनडीए सरकार काम कर रही है। इसी लक्ष्य के साथ नागालैंड में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंसी बनाया गया है। इससे रेसलिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में नागालैंड के युवाओं को बेस फैसिलिटीज मिल रही है। साथियों, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। इसलिए हम गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं के विकास पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। मैं समाज का वो हिस्सा है जो विकास के लाभ से वंचित रहा है, इसलिए आज हमारी हर स्कीम में इस वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब को घर हो, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, ये सब भी बीजेपी सरकार गरीब के पास जाकर खुद दे रही है। आप कल्पना कीजिए, गरीबों के 55,000 से अधिक घर नागालैंड के लिए स्वीकृत हुए हैं। पाइप से घर घर पानी मिले,
ये तो नागालैंड के एक बहुत बड़े हिस्से की बहनों को सपना होता था। पिछले 3.5 वर्षों में ही नागालैंड के 3.5 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी ये पहुंचाने की सुविधा दी गई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ट्राइबल बहनों को हुआ है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों को हुआ है, आदिवासी परिवारों को हुआ है। नागालैंड के हजारों साथियों ने इस स्कीम के तहत मुफ्त इलाज कराया है। भाजपा सरकार नारीजन को लेकर भेदभाव करती है, भाजपा सरकार ना रीजन को लेकर के भेदभाव करती है और ना ही रिलीजन को देख करके भेदभाव करती है। आप याद करिए, जब कोरोना महामारी फैली, जब वैक्सीन आई, तो हमने सबको वैक्सीन पर जोर दिया, सबको बिना भेदभाव वैक्सीन लगाई। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार के हर योजना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर वेलफेयर की, ये सबके लिए है, सबके हित में है, कोई भेदभाव नहीं। यही सबका विकास है। सबका विकास का एक और उदाहरण हमारी किसानों से जुड़ी योजना है। हमारी सरकार छोटे किसानों, आदिवासी किसानों को मदद दे रही है। दीमापुर सहित इस पूरे क्षेत्र में जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वैसे वैसे छोटे किसानों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है। नेचुरल फार्मिंग और मिलेट श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े कदम इस वर्ष के बजट में उठाए गए हैं। इससे नागालैंड के छोटे किसानों, ट्राइबल किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। इससे नागालैंड की ऑर्गेनिक खेती को बल मिलने वाला है। बांस की खेती को लेकर भी जो पुराना कानून था, उसको भी बीजेपी सरकार ने बदला है। इसका लाभ आज नागालैंड के आदिवासी परिवारों को हो रहा है। इसी सेवा भावना की वजह से देश की ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी को बहुत प्यार मिल रहा है। वही प्यार, वही उत्साह मैं नागालैंड में भी देख रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वोटिंग के दिन हर बूथ में भी यही उत्साह दिखेगा। अभी त्रिपुरा में चुनाव हुआ पिछले हफ्ते, 80-90% तक वोटिंग हुआ और कई दशकों के बाद त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे चुनाव में मतदान हो गया, कहीं पर भी हिंसा की कोई घटना नहीं घटी, किसी की हत्या नहीं हुई। बहुत दशकों के बाद पहली बार हुआ है, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। शांतिपूर्ण पूरे नॉर्थ ईस्ट में चुनाव जब भी मौका आता है, आज वो वातावरण बना है। बीजेपी एनडीपीपी के हर उम्मीदवार को आप भारी मतों से जिताएं और मुझे भी नागालैंड की सेवा करने की अधिक ताकत दें, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, ताकि मैं गांव बूढ़ों को जो वादा किया है, मैं हर दिन उस वादे को पूरा करना चाहता हूं। नागालैंड की जनता को मैंने जो वादे किए हैं, वो हर वादे में पूरा करना चाहता हूं। नागालैंड के युवाओं को, नागालैंड की महिलाओं को, नागालैंड के किसानों को मैंने जो वादे किए हैं, उन वादों को मुझे धरती पर उतारना है और हमारे इन साथियों की मदद से वो उतरना संभव होने वाला है। इसलिए मुझे आपका वोट चाहिए, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए।
आप इतनी बड़ा तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।